राजेश जो गाना सुना है यार प्लीज बता दो यार। चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी ग्रामर का भी वीडियो बना करके डालिए, तो हम आज एक नए टॉपिक पर लेकर के आए हैं हिंदी ग्रामर का, वो है अलंकार। क्या है अलंकार? ये देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है अलंकार। अलंकार इतना इंटरेस्टिंग है, इतना इंटरेस्टिंग है कि कह नहीं सकते हैं। वैसे भी अलंकार का इसमें एक टॉपिक है, हम एक एक करके सबका डालते जाएंगे, ठीक है? आप लोग बहुत ही एकदम बढ़िया से देखिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। हम गारंटी लेते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत मजा आएगा और आप लोगों को अच्छी तरह समझ में भी आएगा। समझ में अगर आएगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिए, एकदम फैला दीजिएगा चारों ओर। तो अलंकार, अलंकार क्या है? अलंकार का मतलब होता है सजावट, आभूषण। अलंकार का मतलब होता है सजावट, मतलब सजाने वाला चीज, ठीक है? और आभूषण, जिस प्रकार लड़कियों को अगर गहना पहना दिया जाए, जैसे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि गहना पहना दिया जाए तो उसकी सुंदरता जो होता है सो बढ़ जाता है, ठीक इसी प्रकार अलंकार हिंदी व्याकरण का एक भाग है, ठीक है? जो क्या करता है, किसी काव्य को क्या करता है, शोभा बढ़ा देता है, मतलब उसका सुंदरता को बढ़ा देता है, ठीक है? उसी को क्या कहते हैं, अलंकार। देखिए हम एक बार पढ़ देते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण। जिस प्रकार स्त्री की शोभा उसके आभूषण से, उसी प्रकार काव्य की जो शोभा होता है सो अलंकार से होती है। अर्थात यानी कि किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है, मतलब जो चीज़ सजा दे उसको अलंकार कहेंगे। अलंकार का मतलब होता है सजावट, आभूषण, ठीक है? सजाने वाली चीज को क्या कहते हैं, अलंकार। अब देखिए अलंकार के भेद हैं। अलंकार के भेद है कौन कौन? पहले शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। ये तीनों याद रखिएगा, एग्जाम से जो क्वेश्चन आता है वो जो है सो पांच हेटो है, उपमा, श्लेष, अतिशयोक्ति, रूपक। अलंकार पढ़ना इसलिए है क्योंकि ये बहुत जरूरी है भाई, ठीक है? देखिए सबसे पहले उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या है? उपमा अलंकार जो है सो उपमा का मतलब होता है तुलना करना। उपमा शब्द का अर्थ होता है क्या, तुलना करना। देखिए क्या होता है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु, यानी कि जब कोई व्यक्ति है, चाहे कोई भी है, व्यक्ति मतलब कोई भी, और वस्तु या फिर कोई वस्तु है, ठीक है, कि तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से करें। मतलब अगर कोई, देखिए कोई यहाँ पे एक लड़का है और यहाँ बगल में देखिए एक लड़की मंगरी को, ठीक है? तो हुआ क्या, ये जो है सो कोई और चीजों से इसका तुलना कर रहा है, ये जो है लड़की, ठीक है? जैसे 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 स्क्रीन पर देख रहे होंगे, चांद से तुलना अगर मान लीजिए कर रहा है इसका, ठीक है, कि चांद सा चेहरा, रेशमी झुलफे, झील सी आंखें देख रही है। चांद सा चेहरा, झील सी आंखें, रेशमी। अब देखो इस तरह का है, तो देखिए, तो जब किसी वस्तु या व्यक्ति जो है उसका तुलना किसी व्यक्ति या वस्तु से अगर किया जाए तो उसको क्या कहेंगे, उपमा अलंकार कहेंगे, ठीक है? उसको क्या कहेंगे, उपमा अलंकार कहेंगे। उपमा अलंकार का मतलब बस एक ही चीज याद रखिएगा, क्या, तुलना करना, किसी से क्या होगा, तुलना करना। अब देखिए अब जो होने वाला है सो मजा आएगा, ठीक है? अब देखिए एग्जाम्पल में क्या, हरि पद कोमल कमल से। अब इसको याद रखने का उपमा अलंकार का एक ट्रिक है, क्या आएगा बीच में, अगर सा से सी अगर आएगा तो क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। जैसे हरि पद कोमल कमल से, कहने का मतलब हरि मतलब होगा भगवान, ठीक है? जो भगवान राम थे, ठीक है, भगवान राम थे, उनका पैर के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, कि उसका पैर जो है सो कोमल है, कोमल एकदम पूरा एकदम कमल जैसा, कमल का पंखुड़ी जो होता है एकदम उस तरह मुलायम होता है। तो हरि का जो पद यानी कि पैर है किससे तुलना किया जा रहा है, कमल से। किससे किया जा रहा है, कमल से। ते मेरा एग्जाम्पल आया, हुआ क्या, उपमा अलंकार का। अब ठीक इसी प्रकार है, पड़ी थी बिजली से विकराल। अब देखिए यहाँ से आया, ठीक है, जहां से अगर आएगा
तो समझ लीजिए उपमा अलंकार के बारे में बोल रहा है। पड़ी थी बिजली सी से विकराल, बिजली सी विकराल, यानी कि कुछ ऐसा चीज पड़ा हुआ था जो बिजली जैसा एकदम विकराल, एकदम बहुत बड़ा, यानी कि कोई चीज से तुलना किया जा रहा है। जैसे होता है ना, एक घोड़ा था सो एकदम जिराफ जैसा ऊंचा था, बहुत बड़ा था, तो उसे तुलना किया जा रहा है। तो ये भी क्या हो गया उपमा अलंकार का, उपमा अलंकार का एग्जाम्पल हो गया। या यही दो चीज है सो एग्जाम के लिए याद रखिएगा, बाकी बात तीन ठो जो उदाहरण देने वाले हैं ठीक है, ये सो एग्जाम के लिए नहीं, ये हम आपको समझाने के लिए है। जैसे जैसे क्या है, ये चांद सा चेहरा झील सी आंखें, राइस गाना सुनाओ यार ये सबको ठीक है, गाना सुनाओ देखो। चांद सा चेहरा झील सी आंखें रेशमी, ये चांद सी चेहरा झील सी आंखें रेशमी जुल्फे देख रहा हूँ। तो चांद सा चेहरा मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि कोई है जिसका चेहरा चांद जैसा है, मतलब एग्जाम्पल दिया जा रहा है। क्या एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि एक लड़की है, उसका चेहरा किसके जैसा है, चांद जैसा। तो यहाँ पे क्या है, तुलना किया जा रहा है। तो ये भी मेरा किस में हो जाएगा, उपमा अलंकार का ही उदाहरण है। नहीं समझ में आया, अगला देखिए। राजेश क्या यार, अगला गाना सुना यार, ये सबको नहीं मजा आ रहा है ठीक है। लालू यादव को बुलाए क्या, प्लीज सुना दो यार, और सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दो एकदम, प्लीज कर दो सब्सक्राइब यार। बहुत मेहनत एकदम, ये वीडियो बनाने में कम से कम 4-5 दिन का समय लगा, केवल बस इतना जितना बताएं 4-5 दिन का। यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो भाई लोग, फैला दो वीडियो को। देखो राजेश गाना सुना यार, प्लीज गाना सुना दो इठो यार। अरे वो गाना नहीं, एग्जाम्पल वाला। तो हाँ अगला है, चांद जैसा मुखड़े पे बिंदिया सितारा, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूले। तो चांद जैसा मुखड़े पे मतलब कि जो है कोई है तो उसका चेहरा कैसा है, चांद जैसा, और उसका बिंदी है बिंदिया सितारा ठीक है। तो ये जो है तो उपमा अलंकार का मतलब एक उदाहरण है, कहने का मतलब कि कोई है जिसका चेहरा चांद जैसा है ठीक है, चांद जैसा है ठीक है, उसके बारे में बताया जा रहा है ठीक है। अगला, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक और गाना सुनाओ। सुना यार, ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा, ए झील सी तेरी आंखें इसमें राज है और गहरा। राजेश जो गाना सुना है यार, प्लीज बता दो यार। चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें कोई राज, चेहरा झुल्फों का रंग सुनहरा, यानी कि किसी का चेहरा है, इसमें क्या है तुलना किया जा रहा है कि उसका चेहरा जो है रोशन है एकदम सुंदर है ठीक है, तो तुलना किया जा रहा है। तो ये भी मेरा क्या होगा, उपमा अलंकार का उदाहरण होगा ठीक है। और प्लीज आप लोगों को ये ओपी टाइप का अगर वीडियो लगा होगा, जहर टाइप का अगर वीडियो लगा होगा, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, बहुत मेहनत करते हैं भाई, प्लीज सब्सक्राइब कर दो ठीक है, सब्सक्राइब कर दो। अगर अच्छा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए यार, प्लीज कर दो भाई। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय।